हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे हैप्पी गार्डनिंग विद एल्विका। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आम के पत्ते इकट्ठा करके लेकर आई हूँ और इस आम के पत्तों का मैं लीफ कंपोस्ट बनाने वाली हूँ। और ये लीफ कंपोस्ट बनने के लिए कम से कम 3 महीना या 6 महीना तो लग ही जाता है। और मैं इस पत्तों को प्लास्टिक बैग में भर के रख दूँगी और इसमें पानी भी डालूँगी। रोज़ उसमें पानी डालना चाहिए। और बारिश के दिन में ऐसे आप प्लास्टिक की बोरी में, प्लास्टिक के बैग में बांध के रख सकते हैं। वो ऐसे भी भीग के कंपोस्ट बन जाता है, जल्दी बन जाता है बारिश के दिन में। और अब समर है इसीलिए हमको रोज़ इसमें पानी डालना चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो गया 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद मैं ये प्लास्टिक में जो पत्ते बांध के रखा था वो मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये पूरा कंपोस्ट बन चुका है। देखिए, ये 6 महीने के बाद, ये देखिए, इतना सॉफ्ट कंपोस्ट बन चुका है। ये पूरा लीफ कंपोस्ट है, सारे ये आम के पत्ते हैं। ये देखिए, पूरा कंपोस्ट हो चुका है। और मैं ये आज के दिन पूरे धूप में ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद ये पूरा और भी पूरा पाउडर बन जाएगा। और मैं अपने पौधों के लिए डालने के लिए तैयार हो गया है। पूरा फाइन पाउडर बन गया है, मैंने एक दिन धूप में रखा था। फिर ये देखिए, पूरा फाइन पाउडर बन चुका है। और अभी ये हमारे पौधों के लिए दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही स्टॉक करके रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। देखिए, ये हो गया लीफ कंपोस्ट रेडी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।